जय हिंद फ्रेंड, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स का तीसरा पार्ट जो है मंडी निरीक्षक और उपनिरीक्षक निरीक्षक का ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे उसका। दोस्तों पहला और दूसरा पार्ट में पूरा क्वेश्चन कवर करना जो है मुश्किल था, इसलिए मैं तीसरा वीडियो में जो है पूरे क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा पूरे को डिटेल तरीके से बताऊंगा ताकि आपको समझ आए। और दोस्तों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व अगर आपने पहला पार्ट दूसरा पार्ट नहीं देखो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जरूर चेकआउट कर लीजिए। बहुत सारे कमेंट आ रहा था दोस्तों कि जो है कौन सा बुक रिफर करें, तो मैथमेटिक्स के लिए और अन्य सब्जेक्ट के लिए आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से भी उसको बुक लिस्ट को देख सकते हो। पर्टिकुलर उसका एक अलग से वीडियो मैं लाने वाला हूं, तो उस वीडियो का थोड़ा सा आप इंतजार करिए, बहुत ही जल्द वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि जो एक समान क्षमता की जो 15 पंप है वो एक टंकी को कितने दिनों में भर देता है, 7 दिनों में भर सकता है। लेकिन उसी टंकी को भरने में दोस्तों अगर 5 दिन का समय हमको चाहिए तो अतिरिक्त पंप हमको लगाना पड़ेगा, तो भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, एक हमारे पास जो है क्या है टंकी है, उस टंकी को दोस्तों 15 पंप मिल करके भरते हैं, कितने दिनों में, 7 दिनों में भरते हैं। उसको हम लोग को क्या करना है, 7 दिन की बजाय हमको कितने दिन में भरना है, 5 दिनों में। तो दोस्तों ज्यादा पंप की आवश्यकता होगी तो कितने अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होनी चाहिए हमको कि जो है 5 दिनों में वो काम जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर दिनों की बात देखें तो दोस्तों इसमें तो ऑलरेडी हमको कितने दिन का अंतर देखने को मिल रहा है, 2 दिन का अंतर देखने को मिल रहा है। अगर इस प्रश्न को दोस्तों सिंपल सा है, आप जो है कार्य समय मजदूरी वाला जो फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, MVH फार्मूला जो मैंने बताया है अपने बाकी वीडियो में, उसी फार्मूला का हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, देखिए हमारे पास फार्मूला क्या था, M1 D1 और क्या था H1। चूंकि H1 के जरूरत घंटे की बात इसमें नहीं की गई है तो H को छोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा M2 और हो जाएगा D2। तो चूंकि यहाँ पास दिनों की संख्या नहीं है और दिनों की संख्या है लेकिन क्या है वहाँ पास मजदूरों की जगह किसकी बात कर दी जा रही है, पंप की बात कर दी जा रही है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, M1 की जगह हम लोग लिख देते हैं P1 और जो M2 की जगह हमारा आ जाएगा P2। अब चूंकि मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए हमारे पास P1 हमारे पास क्या है 15 पंप है, तो लिख देते हैं 15 पंप। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों D1 कितने दिनों में भर देता है, वो 7 दिन है, तो मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा इक्वल। P2 का मान हमको क्या करना है, 5 दिनों में भरना है, P2 का मान ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा P2 का हम लोग P2 लिख देते हैं, पर हमारे पास जो है दिनों की संख्या बता दिया है कि 5 दिनों में भरना है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। P2 का मान हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ उसका अक्षांतर करेंगे, ये क्या हो जाएगा 15 × 7 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो गया, तो 5 × 5 हो जाएगा, 5 किया हो जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अब क्या हो जाएगा जब देखोगे यहाँ पास तो क्या हो जाएगा, हो गया 5 किया 15 और ये गुणा करेंगे दोस्तों 7 किया कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि क्या हो जाएगा आप जो है P2 का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ऑप्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसमें यहाँ पास 21 था, ठीक है यहाँ पास क्या हो जाएगा 21, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन काफी सिंपल था, बहुत ही चुटकी में आसानी से बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट वैसे होते हैं कि पानी टंकी का सवाल नहीं बनता तो कैसे करके छोड़ देते हैं, लेकिन सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा P2 मान है, तो P2 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा निकालोगे और 21 निकालोगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा भी राइट नहीं है दोस्तों, मैं तो कल देख रहा था कि आप लोग क्या बोलते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा डी इक्वल टू 21 अगर आप लीक में उसमें लगा देते हो सही, तो आपका दोस्तों दोस्तों जो आया है वो क्या हो जाएगा पूरी तरीके से गलत, लेकिन प्रश्न में ये नहीं पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 5 दिनों में भरने में कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी, अतिरिक्त पंप, तो हमारे पास कितना है पहले से है 15 पंप पहले से ही लगे हुए हैं, कितना 15 पंप जो है हमारे पास पहले से ही लगा हुआ है, और हमको लगाना कितना दोस्तों हमको 21 पंप हमको ला चाहिए। ठीक है, 21 पंप चाहिए तभी वो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो पाएगा, तो 21 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम 15 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है दोस्तों कितना आ जाएगा 21 और 15 तो हो जाएगा 6 पंप, तो हमें अतिरिक्त पंपों की बताना, तो अतिरिक्त पंप हमारे पास कितने जरूरत पड़ेगी, तो वो पड़ेगा 6 पंपों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से हमको निकला हुआ है। ठीक है, तो 6 पंप हमको कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, या फिर बहुत सिंपल सा प्रश्न देख करके आप हड़बड़ हड़बड़ बना देते हैं ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, और बोलते हैं कि तो मैथ एग्जाम में अच्छा सरल क्वेश्चन आया था तो सही हम बना करके आए हैं, लेकिन क्वेश्चन को आप पढ़िए समझिए उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा जरूरी है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को समझना। चलिए देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन।
तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों अनुपात से संबंधित प्रश्न है, किसको लेकर के, त्रिभुज को लेकर के। तो त्रिभुज में दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ये हुआ है कि एक त्रिभुज का जो कोण है वो 4:3:2 के अनुपात में है, तो त्रिभुज है। तो दोस्तों त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, ऑप्शन दिया हुआ है अधिक कोण त्रिभुज है, दूसरा दिया है न्यून कोण त्रिभुज है, तीसरा दिया है समकोण त्रिभुज है, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि दोस्तों 4:3:2 के अनुपात में दिया है इसके भुजाओं का अनुपात, ठीक है। वो भुजाओं में किसका है दोस्तों, कोण का अनुपात। तो हम लोग सबसे पहले हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो कितने अंश के बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। तो 180 अंश के बराबर होता है, तो 180 अंश को हमको 4:3:2 के अनुपात में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं दोस्तों को ये क्या है, हमारे पास कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज है। तो त्रिभुज में क्या हो जाएगा, हम लोग एक को मान लेते हैं 4 और एक क्या है 3 का है, एक और कितने का है 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब में x का गुणा करेंगे, मतलब क्या होगा, माना पहली जो भुजा है उसका अनुपात क्या है 4x हो जाएगा, और दूसरा दोस्तों उसका क्या कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और जो चौथा जो है आपका जो तीसरा भुजा है, ठीक है, उसका कोण का मान कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी का जो योग है हमारा कितना आना चाहिए दोस्तों, 180 अंश के बराबर आना चाहिए। तो लिख देते हैं 180 अंश, तो 180 अंश हो गया। अब देखिए हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान निकालने के लिए सभी को जोड़ देंगे, 4x 3x एंड क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 4 2 6 7 8 और क्या हो जाएगा 9, टोटल कितना है 9x, जो कि क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पास x का जब हम मान निकालेंगे तो 180 बटे कितना हो जाएगा 9, अब इसको काटेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 9 1 9 9 कितना हो जाएगा 18 0 0। तो दोस्तों यहाँ पास कितना है, x का मान आ गया 20 अंश, ठीक है। तो x का मान अगर 20 अंश आ रहा है तो हम लोग को इसका भी निकालना, एक का निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक का मान आता है 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 × क्या हो जाएगा 20 कर देंगे, तो 4 × कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा में दिया है दोस्तों अनुपात में दिया है 3x, जो 3x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 × x = क्या हो जाएगा 3 × 20, तो 3 × कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये हमारा जो तीसरा कोण है दोस्तों उसका मान क्या है 2x है, ठीक है। तो 2x को क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x = क्या हो जाएगा 2 × 20, मतलब 20 तो क्या हो जाएगा 20 नहीं, हो जाएगा 40। तो तीसरा जो हमारा कोण है उसका अंश का मान कितना है दोस्तों 40 डिग्री हो जाएगा। अब हमको प्रश्न में यही पूछा है कि जो 4:3:2 के अनुपात में दिए हैं तो ये त्रिभुज कौन सा होगा, तो हम पहले देख लेते हैं कि इनका जो कोणों का मान, अगर इसमें से तीनों कोणों में से दोस्तों हमारा एक कोण का मान भी अगर 90 अंश होता तो वो क्या होता, हमारा समकोण त्रिभुज होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होता है, लेकिन जो तीनों कोणों को हम लोग अगर देख रहे हैं तो एक 80 आ रहा है, एक 60 आ रहा है, एक 40 आ रहा है, तो अगर तीनों को देख रहे हैं तो तीनों में दोस्तों सभी के सभी जो है 90 अंश से कम आ रहा है, तो 90 अंश से जो कम आता है उसको क्या कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है, और 90 अंश से जो अधिक होता है उसको अधिक कोण कहा जाता है। तो यहाँ पास तीनों जो है न्यून कोण आ रहा है, तो हमारा देखा ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा, क्योंकि न्यून कोण होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कोई क्वेश्चन काफी सिंपल था, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझा करके समझ सकते थे, बना भी सकते थे, ठीक है। इसी में क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि जो बड़ा कोण है और दूसरा कोण है, मतलब सबसे छोटी जो कोण है, बड़ा कोण और छोटा कोण, इन दोनों का अंतर कितना है। तो यहाँ पास क्या करोगे, जो 80 है और हमारा जो 40 है, इन दोनों को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 40 डिग्री। तो यहाँ पास ऑप्शन बदल देता कि सभी अनुपातों में से जो सबसे बड़ी कोण है और सबसे छोटी कोण है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो योग भी पूछ सकता था, ठीक है, 4 × 4 × 4 = 12, तो इस तरीके से 120 अंश क्या होता है, अगर योग पूछता था 120 अंश, ठीक है। तो यहाँ पास ये प्रश्न घुमा करके भी पूछ सकते हैं, सिंपल सा प्रश्न था, और इस तरीके के प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे।